नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस बार में धनतेरस और दीपावली दोनों ही है, और धनतेरस के दिन बहुत सारी वस्तुएं खरीदी जाती है, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो है सोना चांदी। लेकिन उससे भी कीमती छोटी सी चीज़, और वो है कौड़ी, जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, और समुद्र से ही कौड़ी प्राप्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल सस्ती सी चीज़ भले ही है, लेकिन धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग आज हम आपको बताएंगे, जो आप धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी भी दिन आजमा सकते हैं। अगर जीवन में धन की मुश्किलें हैं तो ये टोटका बहुत कारगर है। तो धनतेरस के दिन से बस आपको छोटा सा प्रयोग करना है, और देखिए धनतेरस के दिन से सिर्फ कौड़ी का ही प्रयोग नहीं, बल्कि धनिया भी लाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज जानते हैं कुछ खास बातें। कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है, और इसे महानिशा की रात भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, लेकिन दीपावली की पूजा में जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो धनतेरस के दिन यानी दो दिन पहले ही खरीद लिया जाता है। हालांकि धनतेरस के दिन से लेकर भैया दूज तक पंच महापर्व में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा और दीपावली की रात सभी साधनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इस अमावस्या के रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय और टोटके भी किए जाते हैं, और इन उपायों में गोमति चक्र, कौड़ी, लाल गुंजा और साथ ही कमलगट्टे के बीज की आवश्यकता होती है। तो इस उपाय को सिर्फ एक बार आप पूरे साल में करते हैं तो धन संबंधी समस्याएं भी समाप्त होती है, और पूरे साल जीवन में धन सुख की कमी नहीं होती, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बरसता है। तो आज हम आपको छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे जो आप अपनी सुविधा के अनुसार ये प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो सफ़ेद कौड़ी, पीली कौड़ी, हरा और लाल कौड़ियाँ भी पाई जाती हैं। हालांकि लाल कौड़ी थोड़ा दुर्लभ है, लेकिन तंत्र शास्त्र में इन कौड़ियों का प्रयोग धन को चुंबक की तरह खींचता है और अखंड साम्राज्यपति भी बना देता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक छोटा सा प्रयोग। अगर जीवन में धन की मुश्किलें बहुत ज़्यादा परेशान करें तब एक छोटा सा काम करें। आपको चाहिए होगा पीले वाला कौड़ी। पीला कौड़ी आप एक या पाँच या फिर 11, जितने भी आपके पास हैं आप ले लें। कोशिश करें कम से कम एक जरूर हो। कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है, और इसे महानिशा की रात भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, लेकिन दीपावली की पूजा में जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो धनतेरस के दिन यानी दो दिन पहले ही खरीद लिया जाता है। हालांकि धनतेरस के दिन से लेकर भैया दूज तक पंच महापर्व में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा और दीपावली की रात सभी साधनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इस अमावस्या के रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय और टोटके भी किए जाते हैं, और इन उपायों में गोमति चक्र, कौड़ी, लाल गुंजा और साथ ही कमलगट्टे के बीज की आवश्यकता होती है। धन प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन समय से हो रहा है, और धनतेरस के दिन जो कौड़ी है उसको आपको जरूर खरीदना चाहिए, और दीपावली के दिन विशेष पूजा भी होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। धन प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन समय से हो रहा है, और धनतेरस के दिन जो कौड़ी है उसको आपको जरूर खरीदना चाहिए, और दीपावली के दिन विशेष पूजा भी होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। अब इसको मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें, फिर जितना ज़्यादा हो मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। अब इन एक कौड़ी या 11 या 5 जो भी कौड़ी आपने लिए हैं पीले कपड़े में लपेट कर, आप चाहें तो एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, इसको धन के स्थान पर रख दें। मां लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बरसेगा और आपका धन तिजोरी हमेशा भरा रहेगा। तो ये तो सिंपल सा प्रयोग है, लेकिन दूसरा प्रयोग
क्योंकि इस रात को महानिशा रात कहते हैं, इसलिए आप जो भी प्रयोग करते हैं वो प्रयोग आपका सफल हो जाता है। चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि बढ़ता चला जाए, तब एक छोटा सा काम करें। सफ़ेद कौड़ी या पीला कौड़ी या लाल कौड़ी जो भी आपके पास है, आप 1, 5 या 11 की संख्या में कौड़ी ले लें। आपकी इच्छा पर है जितना आपके पास है। अब इस कौड़ी को लाल कपड़े पर रख कर बांध लें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से या फिर कहीं छुपा कर आप बांध दें। घर में एक तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, दूसरा जीवन में सुख समृद्धि बढ़ता ही चला जाएगा, निगेटिविटी से रक्षा होगी और ये एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि कौड़ी सिर्फ धनी नहीं लाता बल्कि परेशानियों को दूर भी भगाता है। कई बार होता है लोग अपने भले करने की चाहत में दूसरों का बुरा करते हैं, तंत्र क्रियाएं कर देते हैं आपके घर परिवार पर, आपके ऊपर। आप चाहते हैं इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए तो एक पीला रंग का कौड़ी ले लें, छेद वाला कौड़ी लें, या आप चाहें तो घिस कर भी इसको छेद कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको अपने कलाई में, जो कलावा बांधते हैं उसमें डालकर कलाई में बांध सकते हैं, गले में बाह में धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने पर्स में लाल धागे में बांध कर रख लें। बुरी नज़र से बचे रहेंगे, धन की मुश्किलें समाप्त होगी और तंत्र क्रियाओं से भी आपकी रक्षा होगी। तो कई बार आपका बुध अच्छा नहीं होता, वाणी का दोष होता है, अच्छा भी बोलते हैं तो भी बुरा लगता है सबको, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। पीले रंग का कौड़ी ले लें, यहाँ भी बस वही है 1, 5 या 11। अब इस कौड़ी को हरे कपड़े में बांध कर अपने घर में कहीं भी छुपा कर रख दें। एक तो कुबेर भी प्रसन्न होंगे, दूसरा बुध की मुश्किलें समाप्त होगी, आपका बुध बेहतर होगा, जीवन में जो सुख ऐश्वर्य है वो प्राप्त होगा और अपनी वाणी के दम पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हरा कपड़े में लपेटने मात्र से ही जीवन की मुश्किलें समाप्त होंगी, आपका बुध बेहतर होगा। कई बार होता है कि कौड़ी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए आप पुराना कौड़ी भी यूज कर सकते हैं, जो आपने यूज करके संभाल कर रखा हुआ है उसको निकाल लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें और इसी कौड़ी को आप फिर से प्रयोग करें। कौड़ी एक समुद्री जीव के शरीर का कड़ा आवरण होता है और इसका इस्तेमाल प्राचीन समय में धन का लेन देन के रूप में किया जाता था, लेकिन साक्षात लक्ष्मी का वास माना जाता है और कौड़ी का प्रयोग से जीवन की मुश्किलें भी दूर होती है। हालांकि कौड़ी के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो जीवन की हर समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा। तो लाल कौड़ी वैसे तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन अगर आपको लाल कौड़ी मिल जाए तो आपके जीवन की हर मुश्किलें ही समाप्त हो जाएगी। तो इस लाल कौड़ी का प्रयोग महाधनवान बनाता है, अखंड साम्राज्य की प्राप्ति करवाता है। आपको एक भी अगर लाल कौड़ी मिल जाता है तो अति उत्तम, नहीं तो सफ़ेद कौड़ी में सिंदूर अच्छे से कवर कर दें और फिर लाल कौड़ी के तरह ही पूजा करें। तो क्या करेंगे, लाल कौड़ी को दीपावली की रात माँ लक्ष्मी के सामने लाल कपड़े पर रखकर या फिर एक सिंदूर की डिब्बी में डालकर बैठें। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जितनी मर्जी उतनी बार जप करें, कम से कम 108 बार जरूर जप करें, या आप चाहें तो 10 माला यानी 1008 बार भी जप कर सकते हैं। आप चाहें तो श्री सुक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो कौड़ी है लाल वाला उस पर केसर का तिलक लगाएं और फिर या तो लाल कपड़े में बांधकर या सिंदूर डालकर आप रखें, या फिर किसी सिंदूर की डिब्बी में इसको डाल दें और लाल कपड़े में इस डिब्बी को बांध कर आप अपने घर में कहीं भी छिपा कर रख दें। कभी भी धन की मुश्किलें नहीं आएगी और ऐसा मान्यता है ये प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में उनके धन की मुश्किलें उनको परेशान नहीं करती है। तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर अगर कछुए जैसे दिखने वाली 5 पीली कौड़ी रख दें, कछुआ इसलिए क्योंकि कौड़ी का पीठ बहुत उठा होता है और सबसे ज़्यादा जो उठा हुआ पीठ हो वैसा आप 5 कौड़ी ले लें और दीपावली की रात अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। आपके जीवन में कभी धन की मुश्किल नहीं आएगी और उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे घर में रहिए और बरकत दीजिए।
ये प्रयोग करते समय शांत रहकर कीजिए, चुपके से करें, टोका टोकी ना करें तो धन की मुश्किलें समाप्त होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा से धन बढ़ता ही चला जाएगा। तो कौड़ी का महाप्रयोग जीवन की हर मुश्किलों को दूर करता है, आपको बचाता है, बाहर निकालता है, आप कोई भी अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं।